आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान सुरेंद्र खन्ना, रेखा खन्ना, प्रियांजलि और निखिल ने पवित्र पावन यज्ञ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता एवं यज्ञ ब्रह्मा आचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों से यज्ञ संपन्न करवाया, जिसके बाद भजनोपदेशक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वातावरण की शुद्धि एवं शुद्ध ऑक्सीजन के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, ओम प्रकाश मेहता, अनु आर्य, सुभाष आर्य, सुरेंद्र अरोड़ा, विजय कुमार चावला, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, इंदु आर्य, अशोक धीर चौधरी, हरिचंद, प्रवीण लखनपाल, तृप्ता चावला, नवीन चावला, भारती शर्मा, सोनू शर्मा व राजीव शर्मा, गौरव आर्य, लक्ष्मी सहगल, स्वाति अग्रवाल, धीरज, सुनीता रानी, गीतिका अरोड़ा, रजनी अरोड़ा, मधुबाला, प्रियंका शर्मा, ललित मोहन कालिया, अमित शर्मा और पवन शर्मा मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जैसे कोई एक एक कदम चलते चलते हजारों कदम चल देता है, उसी प्रकार प्रतिदिन का बड़ा महत्व है। यही जीवन है रोज का जो हम जी रहे हैं। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर जी, जो कि बड़े सदमे में थे, बड़ा दुख हुआ उन्होंने, इतना अनाचार हुआ, इतनी हत्याकांड हुआ, इतनी सेनाएं, इतने सैनिक मारे गए, तो भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं और भीष्म पितामह जी जो है वो बाणशैया पर लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर जी चाहते हैं कि सदाचार के जो नियम हैं वो उनसे पूछा जाए और सदाचार के बिना इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। ये अमली जमा हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ विशेषताएं मानव जीवन की ऐसे बन गई हैं भागों भाग में, आदमी चाहते हुए इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और जैसा कि आपने कहा कि मनुष्य का पूरा जीवन 400 वर्ष तक होना चाहिए, अगर ये सभी विशेषताएं किसी इंसान में हो तो मेरा ये अनुमान है कि 100 वर्ष तक तो अवश्य जिएगा। कुछ आज की भागम भाग में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कुछ कंप्यूटर जीवन में आजकल बैठा भी कहीं होता है, मन कहीं चल रहा होता है। सो आपकी बातें बहुत ही सुंदर है, हम सभी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम एक या दो बातों को तो जरूर लेके आना चाहिए ताकि हम अपने आप में कुछ अपने आप को पॉलिश कर सकें। मैंने इस पावन पवित्र यज्ञ वेदी पर आकर के, क्योंकि ये यज्ञ वेदी आज की नहीं है, जब से आर्य समाज स्थापना हुई है 1980 से ले तो लगातार उनके दादाजी तो नित्यपति यहाँ पर आकर के यहाँ भजन में लाखों बार वेद मंत्रों का पाठ किया है। यहाँ पर उस स्थान पर बैठ के बेटा तुमने दर्श किया है, बहुत ही आपको आपको आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, परमात्मा पर कृपा बनी रहे।